उत्तरप्रदेशस्य हमीरपुर जनपदे जनपदाधिकारी रूपेण कार्यरताय डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी वर्याय वार्तावल्यां सस्वागतम्। नमः। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अयमेव यत् शैक्षिके अथवा वृत्तिगते जीवने संस्कृतस्य कियत् योगदानम् अस्ति इति तावत् प्रथमं अहं ज्ञातुकामः। मैं मूल रूप से संस्कृत का ही छात्र हूं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो जिस गांव से राप्ती के तट पर देवरिया जनपद में हुई, वहां हमारे गांव में भी परिवार में भी एक संस्कृत का बड़ा पवित्र वातावरण था। और प्राथमिक शिक्षा के बाद जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयी शिक्षा जो स्नातक की थी उस तक मैंने संस्कृत पढ़ा। उसके बाद मैंने संस्कृत में बीए ऑनर्स किया, एमए स्पेशल किया और मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येता वृत्ति भी मिली, जीआरएफ मिली और मैंने पीएचडी किया। और उसी के बाद मैं फिर पीसीएस की परीक्षा में मैंने संस्कृत भाषा लेकर उत्तीर्ण किया और उसके बाद आईएएस में प्रमोशन के बाद मैं कार्यरत हूँ इस पद पर। तो मेरा परिवार और आसपास का वातावरण संस्कृतमय रहा है, संस्कृत से ओतप्रोत रहा है। साथ ही साथ अन्य विषय जो समसामयिक हैं और सेवा के लिए आवश्यक हैं या सरकारी कार्य के लिए आवश्यक हैं, सामाजिक वातावरण के लिए आवश्यक हैं, उस सब में भी मैंने अध्ययन किया। और उसी कारण से, क्योंकि सेवाओं में आप भी जानते हैं, सेवाओं में सफलता एक विषय से नहीं होती है, वो एक संपूर्ण आपका प्रदर्शन होना चाहिए, सभी विषयों में पारंगत होना चाहिए। न्यायालयादिषु संस्कृतेन प्रथमतः निर्णयः श्रावितं गतः, तर्हि एतदर्थं नाम विलम्बः कथं जातः? भवादृशः कश्चन पूर्वं न किं तथा किमपि न विचिन्तितवान् वा अथवा किमपि स्यात् अन्यत् कारणम्? न, प्रथमं तावत् न प्रथमो निर्णयः। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंडलायुक्त झांसी ने एक आदेश किया था संस्कृत में। अस्तु। और ये सुनने में आया कि कुछ और हमारे न्यायालयों में कुछ अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा संस्कृत में लिखे जाते हैं, कहीं कहीं उनका अपना अभिकथन भी संस्कृत में होता है, किंतु निर्णय कम अवश्य हुए। प्रथम जहां तक हमारे न्यायालय में जिस वाद की बात है, आपको मैं बता दूं, एक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है 2006 की, उसमें एक धारा 98(1) है। सामान्यतया अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने की अनुमति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ और शर्तों के साथ होती है और वो कलेक्टर ही दे सकता है। एक हमारे यहाँ गिरवर गांव के निवासी थे, उनका नाम है श्री संतोष कुमार। उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ और गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऋण है मेरे ऊपर और मैं बीमार हूं, तो इलाज कराना चाह रहा हूँ इसको, जमीन को बेचकर। उसके क्रम में फिर तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई, रिपोर्ट आने के बाद कुछ त्रुटियां थी तो दोबारा रिपोर्ट मंगाई गई, पुनः उस पर दोनों पक्षों को सुना गया, पक्षों का बयान लिया गया और अंततः उसका आदेश मैंने संस्कृत में किया और उनको अनुमति दी कि आप अपनी भूमि, जो नाम से इस नंबर की भूमि है, इतना रकबा है, आप गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच सकते हैं, ये अनुमति दी गई थी, वो आदेश है। संस्कृत प्रेमिणः ये सन्ति मन्ये तेपि इदानीं प्रेरिताः भवेयुः, तेषां मनसि उत्कण्ठा स्यात् यत् तत् निर्णय श्रावणं कथं जातं स्यात्, तर्हि कृपया नाम निर्णयस्य अंशं श्रावयितुं शक्नोति भवान्? दर्शकः अपि नाम निर्णय तो 4 पेज में है, मैं इसका अंतिम अंश सुनाता हूँ। आवेदकः श्री संतोष कुमार कुमहरिया ग्राम स्थित घाटा संख्या 138 ज भूमे 0.4050 हेक्टेयर क्षेत्रम अथ च 139 घाटा संख्याया 0.0930 हेक्टेयर भूमे क्षेत्रम अनुसूचित जाति भिन्न जनस्य श्री कमलेश कुमारस्य पक्षे विक्रेतुम अनुमतः। आदेशस्य प्रत्ययो राठस्य तहसीलदारं उपनिबंधकं च आवश्यक प्रक्रिया संपादनार्थं प्रेषणीयाः। आवश्यक प्रक्रिया अनन्तरं पत्रावलीयम् अभिलेखागारे सुष्ठुतया संचित करणीया।
आदेशोऽयम् अद्य मया मुक्त न्यायालये स्वहस्ताक्षर कृतः दिनाङ्कितः उद्घोषितश्च। शोभनम्। तर्हि मन्ये हैब्रिड् संस्कृतवत् किमपि तथा नाम प्रदर्शनं भवतु तदपि संस्कृतस्य प्रचाराय। अथ प्राशासनिक व्यस्तता भवति या भवि स्यात् भवति एव, तथापि संस्कृतस्य कृते नाम या सम्बद्धता भवति या अस्ति, तां सम्बद्धतां कथमिव भवान् प्रकाशयति? देखिए, संस्कृत का पठन पाठन अपनी संस्कृति को जानने का है, और मुझे ही नहीं प्रत्येक उस व्यक्ति को जो संस्कृति से प्रेम रखता है उसको संस्कृत पर गर्व होना चाहिए, संस्कृत में उसको रुचि रखनी चाहिए, संस्कृत का पठन पाठन करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गास्पद हेतु भूमे भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। तो मैं जहां कहीं भी पदस्थापित हुआ, किसी भी जनपद में गया, किसी भी विभाग में गया, तो वहां सबसे पहले मैं जो हमारे कार्य करने का वातावरण है उसमें जो हिंदी है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सरल और थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ, बहुत कठिन ना हो लेकिन सरल संस्कृत निष्ठ और हिंदी के तत्सम रूपों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा जहां कहीं भी संस्कृत का विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का संस्कृत का संकाय मुझे मिलता है, मैं वहां के जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनसे संपर्क करता हूं, प्रयास करता हूं कि उनके बीच में जाकर थोड़ी देर उनसे वार्ता भी करूं। साथ ही मैंने संस्कृत के प्रचार के लिए भी कई स्थानों पर जाकर अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में मुझे कई बार दक्षिण भी जाने का मौका लगा, दूसरे विश्वविद्यालय में जाके मैंने संस्कृत के पठन पाठन के प्रचार के लिए बड़ा लोगों को प्रेरित करने का भी प्रयास किया है। और यहाँ पर मैं बता दूं, जब से ये आदेश किया गया है बहुत सारे लोगों ने संस्कृत के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है, और संस्कृत के छात्रों में जो संस्कृत के यहाँ विद्यालय चल रहे हैं उनमें एक अलग सा उत्साह है। तो इस तरह से वातावरण देखिए सब जगह उपलब्ध है, आवश्यकता ये होती है कि उस वातावरण से कितना अपने आप को हम जोड़ पाते हैं और लोगों को कितना अपने विचारों को दे पाते हैं, उनके कितना विचार ले पाते हैं। सत्यम्। महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः यत् संस्कृतानुरागी जनान् अथवा अस्मादृशान् संस्कृतज्ञान् भवान् किं सन्देष्टुकामः अत्र अस्माकं कार्यक्रमे? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संस्कृत का वातावरण आप जैसे विद्वानों से बना हुआ है, और मुझे हर समय विश्वास रहता है कि संस्कृत हमारी एक जीवंत भाषा है। मैं जो अपने स्तर पर प्रयास कर पाता हूँ उसमें मेरा यही रहता है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि संस्कृत एक तो सरल भाषा है। बहुत लोग इस वक्तव्य पर विरोध करते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। मैं उनको बताता हूँ कि सरल भाषा और कठिन भाषा में अंतर क्या है। सरल भाषा वो होती है जिसको हम एक नियम के तहत पढ़ते हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। रामः गच्छति तो रामः गच्छति, हमें पीयूटी पुट और सीयूटी कट जैसा दिमाग नहीं लगाना है। हमें मालूम है कि हम किस अक्षर को किस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे, और चूंकि संस्कृत से अधिक वैज्ञानिक भाषा नहीं है, एक बार उस वैज्ञानिकता को हमें समझ लेने की आवश्यकता है, उसके उपरांत हमें संस्कृत बहुत सरल लगेगी। और चाहे वो सुबंत तिंगंत हो या संस्कृत में वार्ता का हो या संस्कृत में लेखन का हो, बहुत सरल है। तो मेरा यही रहता है कि थोड़ा सा हम लोग सामान्य जन को भी जोड़े इसमें, उसके लिए आवश्यक है संस्कृत को थोड़ा सा हमें जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको मूल रूप से लेना पड़ेगा, जो परिवर्तन आए उनको समाहित करना पड़ेगा, और तभी लोग जुड़ेंगे। बहुत बौद्धिकता और पांडित्य का उपयोग हम साहित्य में अवश्य करें, किंतु जब हम आम जन से या जिसको हम कहते हैं सामान्य जन उनसे संवाद करते हैं तो थोड़ा सा हमें उनको जोड़ने के लिए संस्कृत का एक सरल और व्यवहारिक रूप सामने रखना पड़ेगा। ये मेरा प्रयास रहता है। मैं अपने जो हमारे संस्कृत जगत से जुड़े हुए अध्यापक हैं या जो छात्र हैं पढ़ रहे हैं उनको ही मैं यही बात बताता हूँ। प्रशासनिक अधिकारिणः भवतः वचनं श्रावं श्रावं अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति संस्कृतज्ञाः अथवा संस्कृतप्रियाः अपि, ते सर्वे अपि मन्ये नूनं प्रेरिताः भवेयुः। महोदय, भवान् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अत्र स्वीयम् अमूल्यं समयं भवान् प्रदत्तवान्, तदर्थम् अहं कृतकृत्यः।
अहम वार्तावली कार्यक्रम पक्षतः तद्दल पक्षतः भवतः पुनरपि सस्वागतं धन्यवादं करोमि। नमो नमः सर्वेभ्यः।